नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। हम पांच हाजिर हैं आपको बताने के लिए शाम पांच बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप फाइव। वहीं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है और उसकी जीत के लिए देश भर में फैंस न केवल प्रोग्राम बना रहे हैं देखने का, बल्कि जीत के लिए पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर की दो तस्वीरें देखें, जहां हवन, भजन, कीर्तन, सब कुछ, हर एक प्रयास जारी है ताकि टीम इंडिया को स्ट्रेंथ मिले, जीत मिले। तो खिताब से एक कदम दूर टीम इंडिया पूरे जीत के इरादे के साथ मैदान पर होगी। तो मैदान पर टीम इंडिया अच्छा खेले, हर परिस्थितियां उनके फेवर में हो, इसकी कामना की जा रही है। हवन पूजन हो रहा है। तो भारत की जीत के लिए राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में हवन किया गया, साथ ही दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का भी जाप किया जा रहा ताकि भारत की जीत में कोई रुकावट पैदा ना हो। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया ने। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में आज T20 का फाइनल मैच है और इस मैच के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हवन किया जा रहा है। इस वक्त हम रायपुर के सुरेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत को विजयी बनाने के लिए यहाँ पर हवन किया जा रहा है। मंदिर के पंडित हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए, आप लोग हवन कर रहे हैं, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और कौन सी पूजा है जिससे भारत की जीत सुनिश्चित है? जी, आज भारत की जीत के लिए, राष्ट्रहित के लिए हम लोगों ने, सभी ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने यहाँ पर बैठ करके श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करके हवन प्रारंभ किया। दुर्गा सप्तशती के जो बीज मंत्र होते हैं, मूल मंत्र होते हैं, जैसे सर्वा बाधा निर्मुक्तो, यह मंत्र भी है। इन मंत्रों से हम लोग बैठ करके 11,000 यहाँ पर बैठ करके जाप किए हैं। उसके पश्चात अभी हम लोग हवन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश की सब जगह विजय हो, सभी जगह भारत देश का नाम हो। अभी मिल करके हवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत की जो जीत है वो सुनिश्चित हो और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर हवन किया जा रहा है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। चलिए अब कुछ और खबरें देखते हैं। जबलपुर और नई दिल्ली के बाद अब राजकोट एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। बारिश की वजह से एयरपोर्ट का कैनोपी गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। वहीं इससे पहले जबलपुर एयरपोर्ट पर भी कैनोपी गिर गया है, जिससे नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर पंडित प्रदीप मिश्रा मथुरा के बरसाना स्थित राधा रानी के मंदिर पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी से माफी मांगी, राधा रानी को दंडवत प्रणाम भी किया। राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। हजीराबाद से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को गिरफ्तार किया गया, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया, एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को सीबीआई पटना लेकर पहुंची। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से शुक्रवार की रात को दर्दनाक खबर सामने आई। खोदना गांव में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसके नीचे 8 बच्चे आ गए। दुखद बात यह है कि इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है, बाकी बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर कांकेर में एनआईए की टीम ने जिले के 6 से ज्यादा स्थानों पर छापा मारा। सुदूरवर्ती गांव आमाबेड़ा, मुंजाल गोंदी, कलमुच्चे, जीवला मारी में कार्रवाई की गई। पूरा मामला नक्सल मामले से जुड़ता है। एनआईए टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान कई मोबाइल, प्रिंटर और नकदी मिला। आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। देर रात तक एनआईए टीम खंगालती रही इन तमाम ठिकानों पर।
बिलासपुर में एक युवक ने आरक्षक को तमाचा चढ़ दिया। डायल 112 के आरक्षक से मारपीट की गई है। आरक्षक से मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। घायल को अस्पताल ले जाने पर यहां पर विवाद हुआ था और ये जो वीडियो है ये दो दिन पहले का बताया जा रहा, रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। आते छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल अपडेट पर। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर विपक्ष हमलावर है। दिल्ली से मुख्यमंत्री के वापस लौटने के बाद उनसे सवाल पूछा, कैबिनेट विस्तार कब, तो उन्होंने कहा वक्त पर हो जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर निशाना साधा, सवाल उठाया, यहां तक कह दिया बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। देखिए, चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है, वो तो समय पर होगा ही। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार सौ बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। इधर भोपाल में ईवीएम पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंदसौर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को सेट किया गया था, जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी उन पर ईवीएम सेट थी। चार पांच स्टेटों में एक तरफा ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता और सरकार बनाई है। जिस प्रकार से आप देखें कि उन्होंने जो ईएम के ऊपर जो बात उठ रही थी कि ईएम के माध्यम से सेटिंग चलती है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत उसको खत्म करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी को सलाह दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनता के मुद्दों पर लड़ाई शुरू की जाए। अगर हम संसद में लगे सेंगोल से डर रहे हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। जनता के मुद्दों पर लड़ाई शुरू करो, कब करोगे। इधर इंदौर में सामूहिक रूप से घर वापसी मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि मुस्लिम से हिंदू बनाने का ये पूरा खेल फर्जी है, इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं। कांग्रेस ने ऐसे आयोजन कराने वाले हिंदू संगठन के लोगों की शिकायत मुख्यमंत्री, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से की है। साथ ही प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने हिंदू संगठन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। बता दें कि शुक्रवार को खजराना गणेश मंदिर में 25 लोगों ने घर वापसी की थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसे लोग षड्यंत्र रचकर धर्म परिवर्तन जिसे दिखा रहे हैं वो सभी लोग फर्जी हैं। इनके खिलाफ़ शिकायत की गई है कि इन्हीं 30 लोगों के खिलाफ और जिन नेताओं ने ये काम किया है उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इधर मुरैना में नकल माफिया सक्रिय हैं। बीएससी और बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल की जा रही है। नकल करते छात्रों का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल और गाइड से नकल करते छात्र नजर आ रहे हैं। नकल की शिकायत पर परीक्षा सेंटर पर तहसीलदार पहुंची। तहसीलदार को परीक्षार्थी नकल करते मिले। तहसीलदार के सामने नकल माफिया और छात्र नतमस्तक दिखे। पूरे मामले पर तहसीलदार कॉलेज को नोटिस थमाएंगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सरगुजा के संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय ने बीएससी द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया और प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात कर उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की। प्रभारी कुल सचिव ने छात्रों के उत्तर पुस्तिका को अन्य परीक्षक से चेक करवाने का आश्वासन दिया। श्योपुर के सैसईपुरा गांव में मुरैना के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की। अपनी शादी टूटने से युवक नाराज था, गांव में दहशत फैलाना चाहता था। नाम युवराज गुर्जर है। युवराज का रिश्ता सैसईपुरा की युवती से तय हुआ, लेकिन युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर युवती ने और उसके परिजनों ने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद युवती के परिजनों को युवक परेशान करता रहता है। वो युवती के पिता और परिजनों को धमका चुका है। पुलिस ने युवराज गुर्जर और उसके साथियों पर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी। इंदौर में महाराष्ट्र के युवक पर गोली चलाने वाले शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। अंतिम चौराहे पर
युवक को बदमाशों ने गोली मारी थी और गोली मारने के पीछे जमीन विवाद की बात भी सामने आई थी। जांच में सामने आया कि युवक को शिरडी में भी मारने की कोशिश की गई थी। भिंड में अनियंत्रित ट्रक NH-719 पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए। परिचालक ट्रक के नीचे 4 घंटे तक दबा रहा। कटर से ट्रक की बॉडी काट कर बाहर निकाला गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालनपुर थाना क्षेत्र की घटना है। नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में ICU को बने 4 साल हो गए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहां कोई सेवाएं शुरू नहीं हो पाए। मरीजों को खासी दिक्कत है। कोविड काल में आईसी यूनिट तैयार हुई, लेकिन कोविड के कुछ दिन बाद इसे डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी बताते हुए बंद कर दिया। इसी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोविड काल में आईसीयू का संचालन किया था, लेकिन अब वहां स्टाफ की कमी है। तो वहीं भिंड के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कई घंटों तक बिजली कटने से मरीज परेशान होते रहे। वहीं मरीजों का इलाज मोबाइल का टॉर्च जलाकर किया गया। PICU वार्ड में 35 बच्चे भर्ती थे। बिजली कटने से सभी बेहद परेशान थे। और आपको बता दें कि बीते 21 जून को कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड सांसद संध्या राय और भिंड विधायक भी नरेंद्र कुशवाहा यानी कि अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाएं मिलने पर CMHO और सिविल सर्जन पर नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन व्यवस्थाएं अब तक नहीं सूझ रही हैं। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। वे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उमरिया जिले के मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत झलवार की 2 बस्तियों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। यहां के निवासी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और अन्य दफ्तरों में गुहार लगाई है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर उमरिया कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक गायब महिला का शव समझकर किसी दूसरे अज्ञात महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद गायब महिला की लोकेशन मथुरा में मिली। महिला द्वारा बैंक से पैसे निकालने पर उसकी लोकेशन मिली। महिला ने जब अकाउंट से पैसे निकाले तो इसका मैसेज उसके पति के मोबाइल पर आया और मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस महिला की तलाश में मथुरा गई, जहां से उसकी लोकेशन नोएडा में मिली। नोएडा से महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक हाफ बर्न बॉडी एक 25-30 इयर्स फीमेल की मिली। उसी समय एक महिला के जो परिजन थे वो आ गए थे पोस्टमार्टम के समय पर, क्योंकि हाथ और जो पैर थे वो जले हुए नहीं थे और पैर में पाजे वगैरह थी। तो उस महिला ने पहचाना कि ये मेरी बेटी है, जिसकी अभी 2 दिन पहले गुमशुदगी महगांव थाने में लिखी गई थी। पता चला कि जो ये महिला थी ये वहाँ पे दिल्ली में रह रही है। इधर भिलाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिहार के आरा में संचालित ऑनलाइन गेमिंग ऐप रेडी अन्ना, लोटस और लेजर 3 पैनल के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 23 मोबाइल और कई ATM, बैंक खाते और पैनल का हिसाब किताब जब्त किया गया। तो गरियाबंद के बाजार में अब बारिश के सीजन की सबसे महंगी जंगली सब्जी यानी कि सरई बोड़ा बिकने आ गई है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस बार सरई बोड़ा की कीमत 1600 रुपए किलो है। अगर आप राजधानी में इस बोड़ा सब्जी का स्वाद चखना चाहेंगे तो आपको 2000 रुपए किलो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि यह सब्जी पूरी तरह से प्राकृतिक है। सराय के पेड़ के नीचे ये छोटी छोटी गोलियों के आकार में मिट्टी के नीचे दबी मिलती है। स्थानीय भाषा में इसे बोड़ा नाम दिया जाता है और छत्तीसगढ़ के काला सोना के नाम से प्रसिद्ध इस कीमती सब्जी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्वों की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर के लिए भी काफी लाभदायक है। तो एक तरफ बारिश का इंतजार, दूसरी तरफ कुछ जगहों पर बारिश का हाहाकार। भारी बारिश हुई है बीजापुर में। पानी निकासी की व्यवस्था ना होने से लोग परेशान हो रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों के आवास RES कॉलोनी में कुछ मकानों में पानी भर गया। जिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल गिर गई। बाउंड्री वॉल का मलबा सड़क पर आ गया। बारिश के तेज बहाव में कोतपाल और बोरजे को जोड़ने वाला पुल बह गया। कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है।
तो दो दिन से बीजापुर में भारी बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश बीजापुर में दर्ज की गई। बस्तर और बस्तर के बीजापुर में एक तरफ भारी बारिश है तो वहीं मैदानी हिस्सों में अभी भी औसत से कम वर्षा दर्ज की गई। बीजापुर के हाल देखें, कहीं दीवार ढह गई, कहीं पुल ढह गया और सड़क के ऊपर पानी भरने से कॉलोनी में मकानों में पानी आने से लोगों को दिक्कत हो रही। इधर आम लोगों की सहूलियत के लिए 1 जुलाई से देश के कानून में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू होंगे। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। तो जरा देखें कानून में क्या क्या बदलाव हैं। देखें, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गई। नए कानून में आईपीसी के 22 प्रावधान रद्द कर दिए गए और नए कानून में आईपीसी के 175 प्रावधानों में बदलाव किए गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। इसके अलावा आप देखें कानून में क्या बड़े बदलाव हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होने वाली हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी बदलाव हैं। ये साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव हैं इनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नए कानून में कुछ पुराने कानूनों में संशोधन भी हैं। पुलिस स्टेशन में 0 पर FIR दर्ज होगी, सबसे बड़ा सुधार, और 0 पर FIR के 15 दिन के बाद संबंधित थाने में उसको ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। एक और बड़ा सुधार इसी में किया है कि FIR में धाराएं जुड़ सकती हैं 0 पर जो कायमी हो। केस की पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी, ये नई व्यवस्था है। गैंगरेप की सजा 20 साल या आजीवन कारावास तक होगी, ये भी नया प्रावधान है जो बदलाव हुए हैं। नाबालिग से रेप पर मौत की सजा तक दी जा सकती है, ये कड़ा प्रावधान इसमें किया है। क्या बदलाव है उनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट पेश करनी है और इसका फैसला देने के लिए भी, सुनाने के लिए भी 1 सप्ताह का वक्त तय किया है। तो आप देखें बदलाव को लेकर के बड़ी जानकारियां टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल लोकसभा से पारित हुआ 20 दिसंबर 2023 को और इसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ 21 दिसंबर, ठीक अगले दिन 2023 में, बीते वर्ष। और ये बड़े सुधार अब देश में लागू हो रहे हैं 1 जुलाई से। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी, मोहर लगा दी। कानून की शक्ल में 1 जुलाई 2024 से ये लागू होंगे। 24 फरवरी को इसकी घोषणा कर दी गई थी कि 1 जुलाई से लागू होंगे। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। और आज भारत का जो फाइनल मुकाबला है ICC ट्रॉफी जीतने के, एक कदम टीम इंडिया दूर है। शुभकामनाएं भी दीजिए, मैसेज भी दीजिए और IBC 24 के साथ अपडेट रहे। फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए, नमस्कार।